मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर नितिन है। मैं आपसे COVID-19 अथवा कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में कुछ चर्चा करना जरूर चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कोरोना या कोविड 19 नामक महामारी आज वैश्विक रूप धारण कर चुकी है। इससे मरने वालों की लगातार संख्या बढ़ रही है। हमारे देश भारत में भी इससे कई लोग पीड़ित हैं और संक्रमित हैं, और ये लगातार बढ़ रहा है संक्रमण। तो ये वायरस है क्या और क्यों होता है? सबसे पहली चीज, ये एक वायरल फीवर है। जैसे कि नॉर्मली आपको ज्यादातर आपने देखा होगा मौसम के चेंजेस के साथ में किसी को भी वायरल इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है। 3-4 दिन की डॉक्टर से दवाई लेकर के व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, परंतु ये बीमारी में ऐसा नहीं हो रहा है। इस बीमारी के अंदर भी आपको ज्वर आता है, आपको जुकाम होता है, और साथ ही साथ सूखी खांसी होने लगती है, सांस में तकलीफ होने लगती है। किन व्यक्तियों में ये विशेषकर ज्यादा जानलेवा है? वो व्यक्ति जो 60 वर्ष के उम्र से ज्यादा हैं, जो रोगी हैं पहले से श्वास के अथवा हृदय के, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और मधुमेह का रोग है, उन व्यक्तियों में ये ज्यादा गंभीर स्थिति पैदा कर रहा है। इसके कारण से काफी लोगों की मृत्यु तक हो गई है। हम लोगों को करना क्या चाहिए इनसे बचने के लिए? सबसे पहली चीज, हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो 7 बिंदु उन्होंने बताए हैं, जिस प्रकार हम हाथ धोएं, अपने बाहर के संपर्क में ना आए, किसी आपात स्थिति में ही बाहर निकले, वो भी एक निश्चित दूरी बनाए रखें, उचित दूरी बनाए रखें, जिससे वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए। दूसरा, हम अपने हाथ को स्टेरिलियम अथवा साबुन और पानी से ही धोएं और बार बार धोएं खाना खाने से पहले, जो हम लोगों के लिए स्वास्थ्य श्रेष्ठकर भी होगा ऐसा करें। इससे हमारा एक तो हम अपना बचाव कर पाएंगे, दूसरा हम अपने से बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनका भी बचाव कर पाएंगे। काफी व्यक्ति हैं जिन्हें डेली की सेवाएं देनी है, अति आवश्यक सेवाओं में जिनकी श्रेणी में आते हैं, जैसे हमारे पुलिसकर्मी हैं अथवा हमारे जो डेली नीड का सामान लाने वाले लोग हैं, इन लोगों सभी को आप खुद से अपनी तरफ से मास्क प्रदान करें, मास्क यानी फेस मास्क, जिससे इनको भी संक्रमण से बचाया जा सके। और जो आसपास के गरीब व्यक्ति हैं उन सभी को भोजन की व्यवस्था करने का भी संकल्प लें। धन्यवाद।